दोस्तों, ये हाल ही में राजस्थान में इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट का एग्ज़ाम होने वाला है। 12 मई को एग्ज़ाम है, जिसका मॉडल पेपर तैयार किया गया है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। तो इसकी शुरुआत करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, हाउ मनी वेज कैन ए बैट्समैन लॉस हिज विकेट। एक बैट्समैन कितने प्रकार से अपने विकेट को खो सकता है, कितने तरीके हैं। तो इसका सही आंसर है, इसके 10 तरीके हैं जिससे बैट्समैन अपने विकेट को खो सकता है। सेकंड नंबर है, कोरंडम इज ए मिनरल ऑफ। कोरंडम है वो किसका खनिज है। तो कोरंडम है वो एल्यूमिनियम का खनिज है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, द स्टेट विच इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी। सबसे ज़्यादा भारत में चाय का उत्पादन कौन करता है, सभी को पता है असम है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज इश्यूड बाई द प्रेजिडेंट वेन द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन। तो इसका क्या होगा, विच ऑफ द फ्लोइंग इज इश्यूड बाय द प्रेजिडेंट। प्रेजिडेंट के द्वारा किसको इशू किया जाता है जब संसद में कोई सेशन नहीं चल रहा हो, तो वो ऑडियंस होगा, ऑडियंस को किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, द स्ट्रेंथ ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन फिक्स्ड बाय। मंत्रियों के परिषद में जो उनकी मंत्रियों की संख्या होती है वो किसके द्वारा फिक्स की जाती है, तो चीफ मिनिस्टर के द्वारा की जाती है, मुख्यमंत्री के द्वारा, अगर स्टेट लेवल में देखें तो। सिक्स नंबर है, न्यूटन वाज डिस्कवर्ड बाई न्यूटन किस न्यूटन की खोज किसके द्वारा की गई थी, चैड्सविक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फ्लोइंग प्रिंसिपल इज मेड यूज ऑफ द वर्किंग ऑफ एन एटम बम। कौन सा सिद्धांत है जो कि एटम बम को यूज करने में कार्य करता है। तो वो होगा न्यूक्लियर फिशन होता है, जो कि एटम बम के कार्य करने में सहायक सिद्धांत है। प्लेंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, प्लेंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, उसमें फॉसिल्स फफूदों का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, एमिलेस एक्ट्स अपॉन। एमिलेस है वो किस पे कार्य करता है, तो वो स्ट्रेच पे कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, द एक्टिव सेल डिवीजन इन ए प्लांट इज फाउंड इन द। एक्टिव सेल पौधे में कहाँ पाई जाती है, वो होगा टिप्स ऑफ द रूट एंड शूट्स। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच अमोंग द फ्लोइंग इज द एंटी स्टेरिलिटी विटामिन। एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कौन कौन से हैं, ई विटामिन होता है, इन विच ईयर द इंडियन नेशनल कांग्रेस कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी, 1886 में। द लीडर ऑफ कोचिन वो फोर्ट विद वेलुथंबी डालवा अगेंस्ट द ब्रिटिश। इसका सही आंसर क्या होगा, कुनाली मेकर है या पलित एचएन है या 85 राजा है या चिरकल राजा है। कोचिन युद्ध के दौरान वेलुथंबी डालवा लीडर ऑफ कोचिन का लीडर कौन था, यह पलित अचान था जिसने वेलुथंबी डालवा ब्रिटिश के अगेंस्ट में
युद्ध किया था? पृथ्वीचन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक? सिद्धार्थ प्रकाशन के लेखक कौन है? सिद्धार्थ प्रकाशन के लेखक है, काफी इंपॉर्टेंट बुक है ये, स्वामी दयानंद सरस्वती है। द फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ ब्रिटिश, ब्रिटिश के प्रथम वाइस रॉय कौन है? लॉर्ड कैनिंग है। वो वाज द फर्स्ट किंग प्रेसिडेंट द कोर्ट ऑफ कनौज? कनौज के पहले किंग कौन है? हु वाज द फर्स्ट किंग प्रिसीडेड द कोर्ट ऑफ कनौज? कनौज के पहले राजा कौन हुए थे? समुद्रगुप्त था या चंद्रगुप्त या हर्ष या कनिष्क? तो इसका आंसर होगा वो हर्ष होगा, कनौज के पहले राजा हर्ष हुए। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच इज द मिड लेयर ऑफ द अर्थ? अर्थ की बीच की लेयर कौन सी है? मेंटल लेयर होती है बीच की लेयर, कोर तो सूर्य के मध्य का भाग होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, द हिमालय माउंटेन इज मेड अप ऑफ? हिमालय माउंटेन किससे बना हुआ है? इंट्रूसिव रॉक्स या एक्सट्रूसिव रॉक या सेडिमेंट्री रॉक या मेटामॉर्फिक रॉक्स? कौन सी चट्टानों से बना हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा वो ये होगा, मेटामॉर्फिक चट्टानी है। द मोस्ट प्रोमिनेंट डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर? यमुना, रामगंगा, गोमती या हुगली? तो हुगली नदी है। क्वेश्चन नंबर 20 है, द लीडर हु इज नो एज ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? भारत के वृद्ध व्यक्ति के रूप में कौन जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा बिपिन चंद्र है, बिपिन चंद्र पाल को द ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, द साउथर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया कौन सा भाग है? द साउथर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया का साउथर्न भाग तो ये निकोबार है, नवा निकोबार भाग है। 22 नंबर क्वेश्चन है, द हेडक्वार्टर ऑफ द थियोसोफिकल सोसाइटी इन इंडिया? भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी का हेडक्वार्टर कहाँ है? नागरकोइल, एडीआर, मदुरा या ट्रिची? तो ये अपने एडीआर में है। विच इज नॉट ए पोर्ट ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया? वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया का कौन सा पोर्ट है वो नहीं है? पारादीप, बर्मा, बर्मा गोवा, मैंगलोर और कांडला? तो पारादीप नहीं है। इन विच ईयर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ त्रिवनकोर वाज स्टेब्लिश्ड? त्रिवनकोर यूनिवर्सिटी ऑफ किस साल में, किस ईयर में स्टेब्लिश की गई थी, बनाई गई थी? इसका सही आंसर है 1937 में। 25 नंबर, 25 नंबर क्वेश्चन है, द स्टेट विच इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मक्का यानी मक्के का सर्वाधिक उत्पादन कौन से जिले में होता है? मक्का है वो राजस्थान में सर्वाधिक होता है। विच ऑफ द फ्लोइंग डिसीज आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड? एड्स होता है वो। ऑन 27 मई 2006 स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक वाज क्लोज टू? 27 मई 2006 को एक भयंकर भूकंप आया था, किसके क्लोज में था वो, किसके नजदीक में था? तो वो माउंट मेरापी के नजदीक में आया, आसपास आया था।
ईयर इन विच द पोस्टल स्टाम्प वॉज इंट्रोड्यूस्ड है, फर्स्ट है, सर्वप्रथम पोस्टल स्टाम्प का कब उपयोग हुआ था? 1840 ईस्वी में। विच टाइप ऑफ लेंस इज यूज इन द केस ऑफ एस्टिगमेटिज्म टू गेट द विजन ऑफ टू गेट द करेक्ट विजन, तो किस टाइप के लेंस का प्रयोग किया जाता है करेक्ट विजन के लिए, और एस्टिगमेटिज्म ये केस के लिए, इस रोग में वो लेंस है वो है ये सिलेंड्रिकल लेंस होता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टेलेशन आइडेंटिफाइड टिल नाउ बाय ह्यूमन बीइंग्स? तो हाउ मच, कितनी संख्या है वे? ये होती है 88। नेक्स्ट है, द हाईएस्ट रेलवे ब्रिज इज बिल्ड अक्रॉस द रिवर, सबसे लंबा रेलवे ब्रिज कौन से नदी पे है? झेलम नदी पे है ये। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंट्रोवर्शियल फिल्म फॉर डिस्प्ले? कंट्रोवर्शियल फिल्म कौन सी है? द ग्रेट एस्केप, एमलेट, डेविंची कोड या कैसिनो रॉयल? तो इसका सही आंसर होगा डेविंची कोड। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला कौन सा है? तो इसका केमिकल फॉर्मूला होगा वो CaO, Cl2, बरखान आर लैंड्स फ्रॉम फॉरम्स ऑफ, बरखान है भूमि किस फॉर्म में है? वाइंड इरोजन, वाइंड डिपोजिशन या ग्लेशियल डिपोजिशन या कोस्टल इरोजन? तो ये वाइंड डिपोजिशन होगा। प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ ए एटम इज प्रिपेयर्ड बाई, प्लम पुडिंग मॉडल वो एटम के लिए किस, एटम का जो प्लम पुडिंग मॉडल है वो किसके द्वारा तैयार किया गया है? एल्बर्ट इंस्टेन है या रदरफोर्ड है या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या नील्स बोर है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये नील्स बोहर है, इसके द्वारा तैयार किया गया है। 36 है, एन एग्जाम्पल फॉर नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, जिन्हें एनिवनी करनी है, बोल सकते हैं एनिवनी करनी है ऊर्जा का एग्जाम्पल कौन सा है जिसे नया नहीं बनाया जा सकता? तो ये इसका सही आंसर होगा पेट्रोलियम है, जिसका एक ही बार उत्पादन किया है, एक ही बार यूज किया जा सकता है। इन विच कंट्री द जीएट समिट ऑफ 2005 हेल्ड? ये ओल्ड है, अभी आपको 2017 या 18 का देखना है कहाँ पे हुआ था। इन साउथ इंडिया जेनिज्म वाज स्प्रेड बाय, जेनिज्म किसके द्वारा साउथ इंडिया में जैन धर्म का किसके द्वारा, मतलब किसके द्वारा फैलाया गया जैन धर्म को साउथ पार्ट में, वो कौन पर्सन है? वो है भद्रबाहु के द्वारा। 39 है, द पीपल ऑफ विच कंट्री हैव लॉन्गेस्ट लाइफ स्पेन, सबसे ज्यादा जीवन दर कौन से देश की है लाइफ स्पेन, जीवन जीने की जो उम्र है वो सबसे ज्यादा कौन से देश की है? वो है जी जापान की। 40 नंबर है, विच इज नॉट ए सोर्स ऑफ कार्बन, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का कौन सा स्रोत नहीं है? मछली, बटर, चीज, पोटैटो? तो ये बटर है जो कि कार्बोहाइड्रेट है के रूप में नहीं कार्य करता है, कार्बोहाइड्रेट नहीं प्रदान करता है। मछली, चीज और पोटैटो के द्वारा कार्बोहाइड्रेट
प्राप्त की जा सकती है। 41 है, वो ट्रांसलेटेड भागवत गीता था पर्शियन लैंग्वेज। भागवत गीता को पर्शियन लैंग्वेज में, पर्शियन भाषा में किसने ट्रांसलेट किया था? दारा ने। 42 है, द सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड, भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 है, K2 फर्स्ट है। भारत की होगी जो गोडविन ऑस्टिन है, सेकंड हाईएस्ट पीक। द ऑथर ऑफ द बुक गांधी लाइफ एंड थॉट, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? गांधी लाइफ एंड थॉट, ये जेबी कृपलानी के द्वारा लिखी गई है। 44 है, द क्रिएटिव इन विच द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, क्या आंसर होगा इसका? फ्रॉग होगा। 45 है, विच कंट्री वोन द गोल्डन मैन्स हॉकी इन बैंकॉक एशियन गेम 1998 में, कौन से देश ने हॉकी में गोल्ड मेडल प्राप्त किया था एशियन गेम 1998 में, बैंकॉक में हुए थे जो कि, वो कौन सा देश था? पाकिस्तान ने। 46 है, द पहली वेसल हाइड्रो इलेक्ट्रिक सिस्टम वाज कमीशन्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ, हाइड्रो इलेक्ट्रिक सिस्टम है कमीशन किया गया था किसके कार्यकाल में? पहली वेसल हाइड्रो इलेक्ट्रिक सिस्टम, तो वो था श्री चितेरा ये, इसका सही आंसर है श्री चितेरिया चितेरा त्रिवनम त्रिवनल बलरमा वर्मा। 47 है, नेम ऑफ द ऑथर ऑफ द नोवेल द एम्बेसडर, एम्बेसडर नोवेल किसके द्वारा लिखा गया है? जॉय केरी, ईएम फोस्टर, हेनरी जेम्स या एडले चेस, तो ये हेनरी जेम्स के द्वारा लिखा गया है द एम्बेसडर। Which element is not present in fats? तो fats में कौन सा present नहीं है, कौन सा तत्व नहीं होता है? Nitrogen, sulfur, carbon, hydrogen। Fat में carbon नहीं होता है। 49 है, which is known as the father of American football? American football के पिता कौन है? वो है जी वाटर कैंप। 15 नंबर क्वेश्चन है, द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, सर्वाधिक घनत्व कौन से देश का है? डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, जापान का है। ये इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन थे जो कि सूचना साहित्य के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जनरल नॉलेज में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इनमें से, और जो अभी हाल ही में रेलवे के भी एग्जाम होने वाला है उसके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।